सोलन शहर की सड़कें अवैध निर्माण के कारण छोटी होती जा रही हैं। इस पर जिला प्रशासन ने सड़कों और नालियों पर हो रहे अवैध कब्जों को तुड़वा दिया है, जिस कारण शहर की ज्यादातर नालियां टूटी पड़ी हुई हैं और शहर की मुख्य सड़क माल रोड की हालत बेहद खस्ता थी, जिस कारण माल रोड पर जहां एक तरफ सोलन की सुंदरता पर यह मुहिम ग्रहण का काम कर रही है, इसी कारण से माल रोड पर स्थित व्यावसायिक संस्थानों का व्यवसाय भी प्रभावित रहा। व्यापार मंडल ने सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन पर दबाव बनाया और तब जाकर इस पर उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने इस मामले की गंभीरता को समझा और 15 लाख रुपए माल रोड की रखरखाव के लिए जारी किए। इस कार्य को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कुलवीर ठाकुर ने माल रोड का जायजा लिया और कार्य की रूपरेखा तैयार की। इस मौके पर अधिकारी ने बताया कि माल रोड की मुरम्मत पर करीबन 25 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से उन्हें 15 लाख रुपए उपायुक्त सोलन ने जारी कर दिए हैं। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि कार्य से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए और यह कार्य जल्द ही आरम्भ कर दिया जाएगा। हमारे पास व्यापार मंडल आया था और उन्होंने बात की थी अपनी दुविधाओं के बारे में। मेनली उनकी समस्या ये थी कि ड्रेन से पानी नहीं जा रहा है, तो उसके ऊपर विचार किया गया और आज की डेट में हमने लगभग 24 लाख का एस्टिमेट बनाया है, जिसमें से हमें 15 लाख डीसी साहिबान व्यापार मंडल की वजह से हमें दे चुके हैं। हम जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं, टेंडर लगेगा अभी और हमारा मकसद ये रहेगा कि हम शूलनी मिलने से पहले पहले इसको ख़त्म कर दें। और इस पोर्शन में नाले के साथ साथ फुटपाथ भी रहेगा, तो हमारा ये मकसद है कि लोग कम से कम फुटपाथ पे चलें, सड़क पे ना चलें, ताकि इससे हादसे भी कम से कम हो। इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि यहाँ पर पाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। अब हर घर का अपना एक कनेक्शन है, हर घर से एक आउटलेट कनेक्शन है, तो उनको जोड़ना एक दिक्कत रहेगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम काम करेंगे तो लोगों को परेशानी भी होगी, उनकी परेशानी दूर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उस समय। तीसरा ये है कि जब हम काम करेंगे तो पानी अभी चल रहा है, तो उस पानी को भी संभालना है हमें, ताकि बहुत ज़्यादा इधर उधर ना फैले और गंदगी ना फैले। काम करने के लिए जगह कम है यहाँ पर, तो ये चैलेंजेस रहेंगे हमें।